है हेलो गाइस मैं हूँ अमित आपको फिर से स्वागत है मेरा इस यूट्यूब चैनल पे सो so गाइस uh, मेरा एस एस जी का ज्वाइनिंग लगभग आ ही चुका है अभी डेट तो मुझे अभी निकलना पड़ेगा तो मैं इसलिए uh, ट्रेनिंग जाने के दौरान क्या क्या सामान मुझे लेके जाना चाहिए और क्या क्या सामान मैं लेके जा रहा हूँ तो आपको मैं वो वीडियो के दौरान थोड़ा दिखाना चाहता हूँ आप लोग भी थोड़ा चेक कर लीजिए एक बार अगर आप लोग को लगता है इसमें से कोई भी चीज़ सामान मेरा छूटा हुआ है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा सो तो गाइस आप देख सकते हैं ये रहा मेरा पूरा सामान और मैं अभी इसको करने जा रहा हूँ पैक सो तो गाइस आइए देखते हैं एक एक चीज़ इंडिविजुअली कि मैं क्या क्या चीज़ लेके जा रहा हूँ सो तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ शेविंग किट सो इस काइंड ऑफ चीज़ को आप लोग को लेके जाना है आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रिमर भी है मेरे साथ ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है लेकिन आप अभी इसको स्किप भी कर सकते हैं ये बाद में भी आप ले सकते हैं ये मेरे पास पहले से ही था इसलिए मैं इसको लेके जा रहा हूँ गाइस आप देख सकते हैं ये है सेगा का शू पीटी शू तो ये तो हम लोग को दिया ही जाएगा वहाँ से लेकिन वहाँ पर आखिर एक्चुअली क्या होता है वो जो क्वालिटीज़ देते हैं वो उतना अच्छा नहीं होता है उससे हम लोग का पैर ख़राब होने का चांस बहुत रहता है सो so, ये बहुत अच्छा है आप इसको चीप एंड बेस्ट ज़्यादा नाम नहीं है ये मार्केट में आपको मिल जाएगा आप इसको कैरी कर सकते हैं आ, उसके बाद आ, ये एक स्लीपर में ले लिया इसको मुझे नॉर्मली इसको पहनने के लिए काम पे आएगा और उसके बाद आ, ये है सोल ये मैं कैरी कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे जो बूट ब्लैक कलर का बूट होता है थोड़ा आप देखे होंगे तो उसमें ये सोल डाला जाता है उसमें तो सोल रहेगा लेकिन वो क्या होता है जल्दी खराब हो जाता है ठीक है तो उसमें फिर से डालने के लिए यही लेना पड़ेगा तो मैंने इसको ले लिया और तो मैं कुछ ले लिया खाकी शॉक्स देखते हैं ये खाकी कलर का सॉक्स मैं ले लिया हूँ ये बहुत आपको लगेगा वहाँ पे क्योंकि धोना पड़ता है एक के सुखाना सूखने देना पड़ता है उसके बाद आ, सो गई इसके बाद आ, मैं ले लिया हूँ और एक इम्पोर्टेंट चीज़ यह है शू पॉलिश का कीट ठीक है तो ये एक ब्रश और मैं ये सब चेरी ब्लॉसम्स ये सब ले लिया हूँ और दोस्तों वहाँ पे जो मुझे हम लोग को लॉकर दिया जाएगा उसको लॉक करने के लिए आपको ये ज़रूर लेके जाना चाहिए ठीक है इससे आपका बहुत हेल्प होगा इसके बाद दोस्तों कुछ आपको सिविल ड्रेस का सेट लेके जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे बहुत प्रोग्राम वगैरह होता है कभी आउटिंग में भी लिया ले लिया जाता है सबको घूमने के लिए तब आपको दो तीन सिविल सेट आपको लेके जाना है उसके आपके लिए ये बहुत आपको काम पे आएगा नहीं तो आपको दिक्कत में दिक्कत में पड़ हो आप लोग उस टाइम पर तो इसको आप दो तीन सिविल सेट लेके ले लेना ले ले इसके बाद दोस्तों में लियाओ और बेडशीट दो बेडशीट में ले लिया हूँ क्योंकि हम लोग को जाते एकदम जाते वक्त ही साथ साथ हम लोग को ट्रेनिंग किट नहीं मिलेगा थोड़ा देर हो सकता है एक हफ्ता दो हफ्ता जैसा देर हो सकता है उस टाइम आप लोग को च काम चलाने के लिए ये सब चीज़ लगेगा और ये कंबल में ले लिया हूँ ठीक है दोस्तों वहाँ पे आखिर हालांकि मैं सुना है कि वहाँ पे कंबल भी दिया जाएगा सब कुछ दिया जाएगा ट्रेनिंग किट में लेकिन आपको पहले पहले के लिए ये सब चीज़ लगेगा उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं मैं थोड़ा डिटर्जेंट पाउडर ले लिया जो बेसिक नीड्स है हम लोग का उसके बाद एक कोलगेट टूथब्रश ये सब आप देख सकते हैं अच्छा उसके बाद नहाने के लिए आ, साबुन शैम्पू ठीक है जो जो चीज़ होता है आप लोग देख सकते हैं ये सब चीज़ आपको लेके जाना है और जो है आपका कॉस्मेटिक्स वगैरह आप वो आप अपना हिसाब से ले, ले लेना कि क्या क्या आप आपके लिए सही होगा ठीक है तो मैं ये चीज़ लेके जा रहा हूँ एक स्टेपलर ये भी काम पर आएगा और मैं वो भी लूँगा ग्लू भी लूँगा लेकिन अभी वो मेरे पास अभी तक है नहीं वो भी लेके कर जाऊँगा उसके बाद आप देख सकते हैं कैची सीजर ये भी आपका बहुत काम पे आया आने वाला है और दोस्तों ये नेल कटर ये ज़रूर लेके जाना है इसको भूलना नहीं है ठीक है क्योंकि आपको वहाँ पर आपका नेल एकदम ऑलवेज डिसिप्लिन में लख, रखना चाहिए ठीक है और ये कुछ सेफ्टी पिंस और एक इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों ये सुई धागा ये मत भूलिएगा ठीक है ये आपको लेकर जाना है और इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये रोप ये कपड़ा सुखाने के लिए क्लिप्स मैंने ले लिया है और ये कुछ कॉम्प और मिरर आप देख सकते हैं उसके बाद दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है ये ओरिजिनल सरसों का तेल ये आपको जब आप आ, ट्रेनिंग पे पीटी करने जाएंगे या कुछ भी कर रहे हैं आ, वहाँ पे आप लोग को करने दिया जाएगा फ़िज़िकली तो उसके बाद उसके बाद आप, आप लोग को पैर दर्द हो सकता है हाथ में दर्द हो सकता है तो उसके लिए इसको आप जब लगाएंगे तो ये आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है तो ये आप थोड़ा कैरी करना और उसके बाद आ, कुछ आ, मेरा मेरा मम्मी ने मुझे कुछ बिस्किट दे दिया है ये मेरा मेरा बहन ने मुझे दिया है आप देख सकते हैं मैं लेकर जा रहा हूँ को जी ये सब भी और दोस्तों ये घी ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है ये भी आपको ले जाना है ठीक है मतलब ओरिजिनल की लेके जाइए ठीक है ये क्या है आपको जब आप बहुत थक के आएंगे बहुत आपका वो चला जाए कैलोरी चला चला जाएगा तो आपको ये क्या है थोड़ा थोड़ा करके इसको खाना है फिर आपको ये वो रिस्टोर कर देगा फिर से और दोस्तों ये ओडोवास भी आपको कैरी करने से सही होगा क्योंकि बहुत मच्छर हो सकता है उस जगह का कोई आइडिया नहीं है आप लोग को पहले से और दोस्तों ये है आयरन ये आपको बहुत क्या काम पे आना है आपको मालूम ही है ये ये क्या काम पे आने वाला है तो ये भी आप हो सके तो कैरी कर लेना ठीक है तो ये मैं एक कंटेनर ले लिया और ये तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है इसको तो लेना ही लेना है हैंगर को और ये रहा फोन का चार्जर और ये मैं कुछ ले लिया वाइट टी शर्ट ठीक है ये तो इसे बहुत आपको काम पर लगेगा ही वहाँ पर ठीक है तो आप ये कुछ दो तो तीन अगर हो सके तो ये वाइट टी शर्ट ले लीजिएगा अपने साथ फुल वाइट होना चाहिए इसमें कोई एक्स्ट्रा स्ट्राइप अदर्स कलर का नहीं होना चाहिए ऐसा ही होना चाहिए ठीक है दोस्तों तो उसके बाद हाँ, ये मैंने कुछ ले लिया अंडरवेस ठीक है ये आप लोग अच्छा क्वान्टिटी में लेके जाइएगा ठीक है उसके बाद आ, मैं ले लिया यहाँ पे आपका कुछ नोट एंड पेंस ले ले लिया क्योंकि वहाँ पे क्लास भी होता है लॉ क्लास वगैरह तो वो आपको कम आने वाला है और ये दोस्तों ये चीज़ आपको एकदम नहीं भूलना है क्योंकि आपका जो ट्रेनिंग सेंटर होने वाला है जो आपको बैरक में दिया जाएगा रहने के लिए तो ये क्या होगा वहाँ पे वो रूम में ए, एक एक साथ में आपको 20 बंदे 30 बंदे भी रख सकते हैं एक रूम पे लेकिन एक साथ में उतना सारा प्लग्स होगा नहीं आपको आपका फ़ोन चार्ज करने के लिए और अदर्स कुछ करने के लिए तो आपको ये एक इंडिविजुअली कैरी करने से बहुत सही होगा मेरे हिसाब से तो इसको आप ले लीजिएगा और यह है एक मग उसके बाद ये भी मैं एक ले लियाँ एक थमोस्टील ये मिल्टौन का है ये आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है बाद में जाके ये गर्म पानी गर्म रहेगा इसमें अच्छा से बहुत सही सही रहेगा और दोस्तों मैं इसके बाद ले लिया हूँ एक कप ले लिया और हाँ दोस्तों ये और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है ये है आपका ये आपका एंटीबैक्टीरियल पाउडर है इससे क्या होगा दोस्तों जब आपका कोई भी बॉडी पार्ट्स में ऐसा धूप में धूप से ट्रेनिंग आ, पीटी करके ट्रेनिंग का एक्टिविटीज़ करके जब आप लौटेंगे तो आप ये लगाने से आपका वो जगह सब सही रहेगा ठीक है कोई भी प्रॉब्लम नहीं देने वाला है दोस्तों आपको बाद में और दोस्तों ये है फॉलिनी ठीक है कभी अगर चोट उट लग गया तो ये आपको ये रिलीफ दे, दे देगा so, दोस्तों ये और ये यहाँ पे कुछ फर्स्ट एड का सामान भी है ये भी आप रख लीजिएगा अपने साथ तो दोस्तों मेरे हिसाब से मैं लगभग सभी चीज़ का कवरेज कर चुका हूँ सो so गैस अभी जो चीज़ है कि हम लोग ये सारा सामान ले जाएंगे किस चीज़ में तो गैस मैं यहाँ पे एक ट्रैकिंग बैग खरीदा हूँ मार्केट से ये मुझे एटीन हंड्रेड में मिला है इसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा है सो so दोस्तों ये है माउंट ट्रैक का है ये एटी लीटर्स का यहाँ पर काफ़ी सारा सामान इसमें अट जाएगा सो so अगर आ, इसमें नहीं भी कवर होता है तो मेरे साथ में मैं एक बैकअप रख चुका हूँ मेरे साथ मैं और एक ऐसा बैग भी कैरी कैरी कर लूँगा और दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट्स इसके बाद जो आपको लेके जाना है आपका सारा डॉक्यूमेंट्स आपको वो कभी नहीं भूलना है डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छा से रखना है डॉक्यूमेंट्स को कोशिश कीजिएगा कि ऐसा लगेज का बैग में नहीं रखने के लिए ठीक है तो वो अपने साथ आप एक पिट्ठू बैग कैरी कर लीजिएगा उसके उसमें आप डॉक्यूमेंट्स रखिएगा तो मेरे हिसाब से वो सही रहेगा ओके okay, दोस्तों अगर आप लोग को लगता है कि कुछ इसमें से छूटा हुआ है अब जरूर मुझे कॉमेंट में मैंशन कीजिएगा थैंक यू दोस्तों